क्या अक्सर ऐसा होता है कि किसी मीटिंग में आप आपा खो देते हैं और आपसे कोई ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए? क्या ऐसा होता है कि किसी नेगोशिएशन में सामने वाले का इतना दबाव बन जाता है कि आप जो नहीं देना चाहते थे वो भी आपने दे दिया, या जिस पर आप नहीं एग्री करना चाहते थे उस पर भी आप एग्री कर गए? क्या कभी ऐसा होता है कि किसी मीटिंग में सामने वाले से बहस होने के बाद आप उस मीटिंग में लिटरली हार जाते हैं और आप कहते हैं भाई जो लेना है लो, खत्म करो मैटर को? साथियों, मीटिंग बहुत स्ट्रेटेजिक होती है, डिस्कशन बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं, और यदि आप आज इस साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद कोई किसी डिस्कशन में आपको गलत चीज के लिए राजी नहीं कर पाएगा, कोई किसी डिस्कशन में आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, किसी भी नेगोशिएशन में आपका अपर हैंड रहेगा और कभी भी आप गुस्से में या दबाव में एक भी निर्णय नहीं लेंगे। तो आज मैं जो टेक्निक्स आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता, लेकिन दुनिया के महानतम नेगोशिएटर्स इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं। आप इस वीडियो को उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और यदि बेल बटन नहीं दबाया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लेना, इसलिए भी कर लेना क्योंकि इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको बातचीत और कम्युनिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट को देखना होगा। मैक्सिमम डील्स, डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, सब कुछ बातचीत के माध्यम से होते हैं, और बातचीत की कला किसी स्कूल, कॉलेज, कोर्स, करिकुलम, सिलेबस, परिवार का हिस्सा नहीं है। आज यहाँ अभी आपको इस मैनिपुलेशन से खुद को बचाना होगा। डिस्कशन, नेगोशिएशन, कन्वर्सेशन, इन सब का एक और बहुत गंदा चेहरा, जब सामने वाला आवाज को तेज करके या जोर जोर से चिल्ला के एग्रेशन दिखाकर आपको दबाने की कोशिश करेगा। और यदि इसको रेगुलरली देखना है तो आप इंडिया के किसी भी टीवी चैनल पर डिबेट को देख लीजिए, जहां पर एक दो लोग इतना चिल्लाएंगे कि बाकी जो समझदार लोग हैं वो शांत हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, मान लेंगे। और हमारे देश में तो और भी अनूठे डिबेट होते हैं, हमारे यहाँ तो एंकर ही इतना चिल्लाता है कि जो बाजू वाले पार्टिसिपेंट हैं उनको लगता है मैं कहाँ आ गया, मछली बाजार तो नहीं है ये। अब जब आपके साथ नेगोशिएशन डिस्कशन में सामने वाले अपनी आवाज़ रेस करें तो क्या होगा? यदि आप थोड़ा कूल माइंडसेट के तो आप ठंडे हो जाएंगे, यदि आप लड़ाई झगड़े से बचने वाले व्यक्ति हैं तो आप चुपचाप सामने वाले की बात मान लेंगे, रुक जाइए। ये एक बहुत कॉमन तरीका है परिवार में, समाज में, राजनीति में, व्यापार में, कि जोर जोर से चिल्लाओ, जिसमें थोड़ी भी शर्म है वो उसके बाद चुपचाप सरेंडर हो जाएगा। वहां पर अपना पॉइंट कामली रखिए, बहुत ध्यान से रखिए, शांत रहिए, सामने वाले को चिल्लाने दीजिए। जब कोई बहुत चिल्ला रहा है और आप शांत बैठे हो तो वो आपका बड़प्पन दिखाता है, जब कोई बहुत चिल्ला रहा है और आप बहुत काम हो तो सामने वाला एक्चुअली अंदर से हार जाता है, वो मुंह से कितना ही चिल्लाए, जब वो पूरा चिल्ला ले आप कहेंगे आपकी पूरी बात हो जाए तो फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। आपको जो बोलना है बोल लीजिए, आपको जिस टोन में बोलना है बोल लीजिए, इससे सच नहीं बदलेगा, आप अपनी बात पूरी कर लें, तब तक मैं शांत यहीं बैठा हूँ और इसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। जब आप इतने कंट्रोल्ड नज़र आते हैं तो धीरे धीरे सामने वाला ठंडा होता है, नहीं तो आसपास के लोग उसको ठंडा कराते और बोलते हो गया भाई, चुप हो जा, उनको भी बोलने दे। अक्सर नेगोशिएशन, डिस्कशन, कन्वर्सेशन में एक मेन हीरो होता है और उसके साथ दो तीन साइड हीरो होते हैं। वो साइड हीरो स्टाइल से आपके ऊपर दबाव क्रिएट करते हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी टेक्निक है मजाक उड़ाओ, मतलब नेगेटिव ह्यूमर। वो बात बात में आपको कुछ बोलेंगे जिससे आप थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए, जैसे वो आपको बोलेंगे भाई लेने ही आए हो ना, या आपको कहेंगे भाई बजट वजट है कि नहीं, या आपसे जुड़ी किसी पुरानी नेगेटिव खराब घटना को याद करेंगे जो आपके घाव में यूं उंगली लगाने जैसा हो, जिससे आप आपा खो दें या आप थोड़े से नरम पड़ जाएं, अरे यार इसको पता है क्या। रुकिए, नेगेटिव ह्यूमर सामने वाला इसलिए कर रहा है ताकि आप उसके कंट्रोल में आ जाएं। जैसे ही आप सामने वाले के कंट्रोल में जाएंगे सारे फैसले वो लेगा, आप सिर्फ खो के बाहर आएंगे। बाद में आपने चूंकि नेगोशिएशन कर लिया या कमिट कर दिया करके आप जिंदगी भर उसको झेलते रहेंगे। रुकिए, रूल वन, इग्नोर देयर सरकाज्म, मजाक उड़ा रहा है आप खाली मुस्कुराइए। मतलब यदि आपने सिर्फ मुस्कुरा दिया ना तो सामने वाला खत्म हो गया, क्योंकि वो तब जीतता है जब आप रिएक्ट करते हैं। उस वक्त एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलिए, तो चलिए मेन बात करें। यदि हंसना हंसाना खत्म हो गया हो तो मेन बात करें,
चलिए सुबह की एक जॉली शुरुआत तो आप लोगों ने कर दी यार, बड़े मजाकिया लोग हो। चलिए अब थोड़ा सीरियस होकर डिस्कशन करते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यह बहुत ही खराब स्थिति तो आपको बोलना चाहिए, चलो यार किसी और दिन बैठते हैं, क्योंकि आज आप लोग सीरियस मूड में नहीं हो, तो किसी और दिन आता हूँ जब वाकई अपन फैसला लेने के लिए गहराई पर जाने के लिए बैठे हों, और एक दो लोग उस दिन कोशिश करना और बैठाना जो फोकस्ड रहते हो, नहीं तो क्या होगा, एक एक घंटे भी बैठेंगे तो फैसले नहीं होंगे। तो एक्चुअली आपने इनडायरेक्टली सामने वाले को हल्का बना दिया। बी कॉन्फिडेंट, कीप स्माइलिंग, डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम व्हाट दे वांट टू डू, और वो मजाक उड़ाते उड़ाते खुद का ही मजाक कब बना लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, मैनिपुलेशन कम्युनिकेशन डिस्कशन नेगोशिएशन का बहुत ही अगली फेस है, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि भाई मैं जीतूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो हासिल हो, और इसलिए स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को इसको अपने सिलेबस में शामिल करना चाहिए। मैं आज तक नहीं समझ पाया जो जिंदगी में असली चीज़ें हैं उसको वो शामिल क्यों नहीं करते। लेकिन आज इस उज्ज्वल पाटनी शो को यदि आप ध्यान से देखोगे और कई बार देखोगे, देखो एक बार में सब बातें दिमाग में नहीं जाती, जब आप कई बार देखोगे और खासकर किसी नेगोशिएशन डील में, कोई प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो, कोई बंटवारे का डिस्कशन हो, कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदना हो, किसी को हायर करना हो, किसी को फायर करना हो, किसी की सर्विसेज लेनी हो, जहाँ भी वैल्यू थोड़ी हाई हो और लोग थोड़े बाहर वाले हों, वहाँ पर इस वीडियो को दो बार देख के जाना, ताकि कोई टेक्निक कोई उनकी स्ट्रेटजी आपके ऊपर काम ना कर पाए। भाई जो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल देख रहा है उसको हारना नहीं है। चलिए अगले पे चलते। डिस्कशन नेगोशिएशन कन्वर्सेशन की एक बहुत ही कूटनीतिक ट्रिक है गैस लाइटिंग। इसमें सामने जो भी लोग बैठे हैं, पहले तो वो एक्चुअल फैक्ट्स को डिनाई कर देंगे, वो बोलेंगे ऐसा कब हुआ, मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने खुद नहीं सुना, और वो कुछ ऐसी बातों का क्लेम करेंगे जो आपको सरासर मालूम है कि झूठ है। अब ऐसे में आप आपा खो देंगे, ऐसे में आप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। अरे वो सिद्ध हो गई नहीं, क्योंकि सामने वाला वो जानबूझ के कर रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने आप पे यकीन कीजिए, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड स्टे काम। यदि आपने आपा खोया या आप गुस्से में आए तो सामने वाला यही चाहता था। जब झूठ की तादाद बढ़ जाए, जब गलत फैक्ट्स की तादाद बढ़ जाए, तो आप उस टेबल से उठिए और कहिए इस वक्त यहाँ पर इतना झूठ बोला जा रहा है कि मैं इस डिस्कशन में और नहीं बैठ सकता। जब आप लोग एथिकली बात करने में इंटरेस्टेड हों, मेरे पास आइए, मैं ज़रूर बैठूँगा। और जब आप ऐसे मीटिंग छोड़ के निकल जाएंगे, तब वहाँ पर दूसरे लोगों को एहसास होगा ये व्यक्ति झूठ बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब एक ऐसी मीठी टेक्निक आपको बता रहा हूँ जो गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, अग्रवाल, ये सबके घरों में खूब प्रैक्टिस होती है, बड़ी अच्छी टेक्निक है, लव बॉम्बिंग। जब आप घर आओगे, इतना आदर सत्कार, आपके पैर छू के स्वागत करेंगे, खूब आदर सत्कार करेंगे, आपके लिए नाश्ते की प्लेटें पे प्लेटें आएगी, आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें होगी, सब कुछ होगा। अब चूंकि इंडिया एक इमोशनल कंट्री है, तो आप इतना दब जाएंगे उस मनोहार से, सत्कार से, कि आप ना ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, आप शर्म में आ जाएंगे, आप एक्चुअली कई चीज़ें बोल ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मैं बोल नहीं पाया, वहां पे मेरे मुंह से निकला ही नहीं, मैं कैसे बोलता है, इतने अच्छे लोग थे। यहां पर बहुत ध्यान दीजिए, टेक थिंग स्लो। सिर्फ लव आपके ऊपर बॉम्ब किया है, अफेक्शन आपके ऊपर बॉम्ब किया है, अटेंशन आपके ऊपर बॉम्ब किया है, तो ऐसा नहीं सब कुछ दे डालिए। टेक थिंग स्लो और एक्शंस देखिए। जब भी लव बॉम्बिंग हो, डॉक्यूमेंटेशन जरूर से जरूर चेक करें। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, पहले और दूसरी बार में लव बॉम्बिंग से इम्पैक्ट मत होइए, किसी भी रिलेशन को मैच्योर होने का एक वक्त दीजिए, और देखिए फीलिंग शॉर्ट टर्म थी कि फीलिंग्स लॉन्ग टर्म थी। नेगोशिएशन डिस्कशन कन्वर्सेशन का एक बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीका, अक्सर सामने वाला आपको बोलेगा हाँ भाई पहले आप बताइए क्या सोच क्या है, अच्छा ये बताइए आपका रेट क्या है, अच्छा ये बताइए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और अक्सर आप पहले बात करेंगे। अब पहले बात करने के माइनस क्या है, आप ओवर टॉक करेंगे, आप ओवर शेयर करेंगे, आप एक ऐसी बेंच लाइन सामने वाले को दे देंगे, हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा आपको देना चाह रहा हो लेकिन उसको कम मिल गई, अब वो क्या करेगा, इस नए पॉइंट से नेगोशिएट करेगा। जब आपके पास मौका हो चुनने का कि पहले बोलूँ कि बाद में बोलूँ, अधिकांशतः ये कोशिश करिए कि आप बाद में बोले, ताकि सामने वाले के पूरे कार्ड्स टेबल पर आ जाएं।
यदि आपके पास वो मौका नहीं और आपको ही पहले बोलना है, तो आप बोलने की जगह थोड़ा सा शेयर करके सवाल पूछिए। Ask questions। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को बोलना पड़ेगा, और जब सामने वाला बोलेगा तो उसके perspective, उसके negotiating terms table पर आएंगे, और तब आपको तय करना है भाई ये मेरे को स्वीकार है कि नहीं नहीं अब मैं और नीचे से शुरू करूंगा। साथियों, डिस्कशन, नेगोशिएशन, कन्वर्सेशन, यू तो बताने को और भी स्ट्रेटजीज, और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन पहले आपको ये बताना होगा कि आज का ये अनूठा शो आपको कैसा लगा। क्योंकि जो मैंने आज आपको बताया ना, ये हम बड़े बड़े सीईओज और एमडीज को बंद कमरे में सिखाते हैं। आज उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल के प्रेमियों को ये मैं एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे रहा हूँ। यदि आपको ये हिट करे, यदि आपको ये अपील करे, और आप इसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर लिखें कि इसको प्रैक्टिस करने से आपको क्या फ़ायदा मिला, तब मैं आपको कुछ और ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, उसके बाद आपको कोई मैनिपुलेशन डिस्कशन कन्वर्सेशन में हरा नहीं पाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बातचीत की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।